है अरे अरे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप वर्मा और आप लोग देख रहे हैं चैनल एक्सप्लोरिंग एसएमएन फिशिंग। गाइस, आपने इसको पहचान ही लिया होगा। आज हम दोनों बैठकर मेरे चैनल को थोड़ा सा देख रहे थे और 11 मंथ्स पहले हम चले गए, मतलब 11 मंथ्स बैक चले गए और वहाँ पे एक वीडियो हमने शूट किया था जो बहुत लोगों तक नहीं गया है। तो वही वीडियो जो है आज आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो वही वाला वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ और आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि एक महीने में बारिश आने वाली है। सिमिलर वीडियोज़ हम बनाने जाने वाले हैं और आप लोग का राय चाहिए, आप लोग का सजेशन चाहिए कि ऐसे वीडियोज़ आप लोग देखना पसंद करेंगे कि नहीं। तो हम लोग एक महीने के बाद से जो ऐसे वीडियोज़ बनाना शुरू करेंगे। और इस वीडियो में गाइस, हम लोगों ने एक कैटफिश एंड कुछ अलग अलग फिश, आई थिंक 2-3 फिश पकड़े थे ना, और एक गौरमी, बहुत ही कलरफुल, मतलब वो ब्लू कलर का कलरफुल गौरमी जैसा लगा हम लोग को, आप देखना और बताना। तो चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखना पूरा वीडियो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी जरूर कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं संदीप मंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिर से निकल चुके हैं दोस्तों मछली पकड़ने के लिए और आज हम लोग ढूंढेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा फिशिंग नेट, बढ़िया सा मतलब एक सस्ता सा फिशिंग नेट, और जो कि काम में आ जाए और पहली बार मछली पकड़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि फिशिंग नेट मिलता है कि नहीं, और फिशिंग नेट खरीदने के बाद हम ऐसे ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कितने फिश मिलता है। और दोस्तों, देख सकते हो आप क्लाइमेट यहाँ पर, इतना ज़्यादा बढ़िया क्लाइमेट है, बारिश हो रही है, एकदम क्लाउडी है और बहुत ही ज़्यादा पानी हो चुका है हर जगह पे। ये वाला क्या करेंगे, छोटा है कि बड़ा है? मीडियम ही है। और इधर ये वाला, ये वाला अच्छा है, ये भी अच्छा होगा, ये अच्छा है, ये अच्छा रहेगा ना। हाँ, इसको पूछ लेते कितने का है ना। चल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि क्लाइमेट इतना सुहाना है, इतना बढ़िया है, और अभी फिर से बारिश आने ही वाली है, एकदम क्लाउडी है और हर जगह पे अगर आप देखोगे तो हर जगह पानी ही पानी हो चुका है, बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है। और इधर भी देख सकते हो, देखिए ना, घरों में पानी चला गया है, इतना ज़्यादा पानी हो चुका है यहाँ पर। तो हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा लोकेशन ढूंढेंगे और यहाँ मछली पकड़ेंगे। और ये जो महीना रहता है जून जुलाई का दोस्तों, यहाँ इसी महीने पर जो है मछलियाँ पकड़ते हैं बहुत लोग, और वैसे भी असम में जो है थ्रू आउट द ईयर मछली पकड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो पूरा पानी ही पानी हो चुका है, और हम लोग वो ये जगह पे जा सकते हैं क्या? यही अच्छा होगा। ओह वाह, देख, और यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं ना। हाँ। और इस साइड भी है, इधर भी है दोस्तों जगह, देखते हैं, उतरते हैं, मैं बाइक को कहीं पार्क कर लेता हूँ पहले। हेलो गाइस, तो फाइनली फिशिंग नेट हम लोगों ने खरीद लिया है, देख सकते हो। और ये जो है छोटा वाला फिशिंग नेट है, जिसमें मतलब कि छोटे मछली भी फंस जाएंगे इसका, जो आप देखिए इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी है इसका जो साइज़ है दोस्तों, ये वाला चीज़ जो आप देख रहे हो ये छोटा वाला है, यानी कि इसमें छोटे वाले मछली फंसेंगे। और ये इमेजिन कीजिए कितना रुपया लिया रहेगा दोस्तों, इन लोगों ने 120 रुपीज़ बोला था और मैं 100 में लेके आऊँ, इससे ज़्यादा कम नहीं किया इन लोगों ने, तो ठीक है। और ये आपको संभाल के यूज़ करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा है, कितना रहेगा इसका लेंथ? 30 फिट, काफ़ी लंबा रहेगा फिर यार। 35 फिट। इसको हमें जो है, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना रहता है, इसको ऐसे लगाना रहता है और इसमें मछली फंसता है दोस्तों। पता नहीं आज फंसेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, एक बार ट्राई करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि मछली मिलता है या नहीं। तो चल वहाँ पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो इसने यहाँ का डेप्थ देख लिया है, ज़्यादा नहीं है, और ये जाएगा स्लोली। एक जो है कॉर्नर मैंने पकड़ा हुआ है हाथ में, और ये दूसरा लेके जा रहा है। हम लोग यहाँ पे इसको लगाने के बाद 20-30 मिनट्स वेट करेंगे, होपफुली मिले, कुछ तो मिले यार, एक दो तो मिले कम से कम। पहला एक्सपीरियंस है, कैसा लगता है वो देखना है मुझे, इसको तो बहुत एक्सपीरियंस है, ये गाँव में रहता है। तो फिर हाँ, इतना ही है क्या लेंथ? पर छोड़ देने से चला जाएगा। ओके देखता हूँ ये क्या करता है। इतना बारिश होता है यहाँ पे, इतना बारिश होता है, उसके वजह से जो ये पानी इतना ज़्यादा यहाँ से बह रहा है। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट में, कोई रिवर विवर ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई नाला है, यहाँ से बस पानी आ रहा है जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो गया। और आप देख सकते हो यहाँ का नेचर ही देख सकते हो आप कितना ज़्यादा सुंदर है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो राइस प्लांटेशन हुआ है, वहाँ पे भी पूरा पानी पानी सा है, उधर देख सकते हो आप। और फिर रास्ता आप देख सकते हो कितना खाली रहता है यहाँ पे, मतलब कि कितने कम कम लोग हैं, गाय वगैरह है रास्ते में, और
और लोग अभी भी साइकिल से जाते हैं, कितना अच्छा रहता है। बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी जो है दोस्तों वो मुझे देखने को मिलता है, इसलिए जो है मुझे ये जगह इतना पसंद है। मेरा जो ये गाँव है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इस गाँव को बोलते हैं बोंगाई गाँव, और ये आसाम में है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो दोस्तों ये बंदे ने उस फिशिंग नेट को वहाँ से यहाँ तक ऐसे लगा दिया है, और मुझे बोल रहा है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और प्रोबेबली 20 मिनट्स के बाद जाकर देखेंगे, अगर लक हमारा अच्छा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट यहीं पर जाके कोशिश करेंगे। तो ये जा रहा है, ठीक है जा आगे जा, ये जा रहा है उठाने के लिए उसको, होपफुली कुछ तो मिले यार, मेरे को बहुत डाउट है यहाँ पर कुछ मिलेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे ट्राई करेंगे कहीं पर। क्या हुआ, दिख तो कुछ भी नहीं रहा है भाई, दबे ओ ओ ओ कीज मिला, कहाँ है ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ले क्या यहाँ पे थोड़ा टाइम रखेंगे तो मिलता ही मिलेगा ही शायद। क्या हुआ, प्लास्टिक का, ओके ओके रुक दोस्तों, उसको यहाँ पे एक मछली मिला है लेकिन मैं जा नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो उसको खोल कर लेके आएगा। तो दोस्तों ये इस मछली को बचाने के, दिखाओ 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 मुझे, बस उसको उठा के दिखाओ, दिखा देते हैं इन लोगों को। दोस्तों ये वाला फिश मिला है, ये कैट फिश जैसा, वो पूरा अंडा है शायद अंदर, वाओ। और वो वहीं पे है अभी भी, मतलब हमारा जो फिशिंग नेट है, ये बोल रहा है कि थोड़ा और रुक जाते हैं और भी मछली मिलेगा, एक काम कर अभी उठा के लेके आ जाओ, हम लोग को वैसे भी वापस जाना है, देखते क्या मिलता है, ठीक है। दोस्तों इसको एक और मिल गया, ये रुक ही नहीं सकता, ये जस्ट निकाल रहा है, मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था लेकिन ये बिल्कुल नहीं रुक रहा, जा रख के मैं तो नहीं रखने वाला, दिखा, वाओ ये बहुत सुंदर है, ये चेक कर रहा है क्या है, कौन सा मछली कौन सा है फिर से, ठीक है एक काम कर तू पूरा जाली उठा के लेके आना, हो जाएगा, अब नहीं चाहिए और बाद में आएंगे। तो दोस्तों इसको मैंने बोला है कि उसको पूरा फोल्ड करके लेके आ, क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना है कि मछली किस तरीके से फंसा हुआ है और किस तरीके से निकाल रहा है, तो ये लेके आ रहा है, वैसे भी टाइम हो चुका है, हम लोग फिर से जो है शाम को आएंगे। ओके दिखाओ दिखाओ मुझे यहाँ पे फिश तो दिखाओ कम से कम, कहाँ फंसा हुआ, ओह ये तो बहुत ही सुंदर है यार, नीचे एक है, वाह इसको तो रख सकते हैं, और ये भी एक है ना, ठीक है इनको निकालो और डाल दो। हम लोग को टोटल 4 मछली मिल गया दोस्तों, सॉरी एक्चुअली 10 मिनट्स या 20 मिनट्स में 4 मछली मिल गया ना, मैं नहीं निकाल सकता, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है यार, इसको फिश टैंक में रख सकते हैं क्या, मैंने तो वहाँ पे गप्पीज रखने का सोचा, वाह यार वेरी ब्यूटीफुल। ये मेहनत होता है एक्चुअली निकालना, क्योंकि ये जो आप फिशिंग नेट देख रहे हो ना ये बहुत ज़्यादा डेडली वाला होता है, इसलिए स्लोली निकालना पड़ता है, नहीं तो फिर हम लोग रास्ते के बीच में बैठे हैं देख सकते हो आप, पर यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है ज़्यादा, प्लास्टिक जल्दी मर जाएगा, डाल रे भाई डाल, नाइस। तो दोस्तों हो गया है हमारा आज का, 4 मछली मिल गया है, बाद में आएंगे और इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये जो आप देख रहे हो फिशिंग नेट आई थिंक पूरा क्लीन हो गया ये, हाँ इसका भी फोल्ड करके अंदर डाल लेते हैं और फिर चलते हैं घर पे। और दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ एक ही रैंडमली लोकेशन चूज़ किया था जैसे कि आप देख ही रहे हो, और जस्ट 10-15 मिनट में दोस्तों 4 मछलियाँ, वो भी इतनी बढ़िया मछलियाँ। अभी हम लोग आएंगे फिर से कि और कहाँ पे कौन सा लोकेशन चूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगह है, ऐसे ही हमको पता चलेगा कि कहाँ पे कितने मछलियाँ हैं। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि 15 से 20 मिनट में हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया जो है 4 मछली पकड़ लिए हैं, और ये भी फिशिंग नेट से, और एकदम रैंडम जगह पे आके हम लोगों ने पकड़ा है। तो दोस्तों हम लोग फिर से आएंगे और फिर से मछली पकड़ेंगे, और अभी देखते हैं कि ये मछली अगर ज़िंदा रहता है घर जाने तक, 4 मछलियाँ उसमें से 2 तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो उनको हम लोग फिश टैंक में, एक्चुअली मैं कपीस छोड़ने का सोच रहा हूँ, देखते क्या करते हैं। तो अगर आप लोग को जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ इन मछलियों के साथ और आगे मैं क्या करने वाला हूँ, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो है नए अपडेट्स मेरे तरफ से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बाय, टेक केयर, और यस कोरोना से बच के रहिए।